उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के लिए आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल के नाम पर मुहर लग गई है। आईपीएस मुकुल गोयल के डीजीपी बनने से शामली का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। उनके परिवार सहित आसपास के शहरों में खुशी और जश्न का माहौल है। लोगों का कहना है कि शामली के लाल ने प्रदेश में जिले का नाम ऊंचा किया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद के लिए चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। इसके लिए 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की कमान सौंपी गई है। मुकुल गोयल मूल रूप से मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले हैं और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में माने जाते हैं। बहुत खुशी हो रही है, उन्होंने शामली का नाम रोशन किया है, उनके बनने के उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। हाँ, उनसे अक्सर बातें होती रहती हैं, लेकिन इस फिलहाल में नहीं हुई ना, वो बिजी चल रहे हैं। बनने के उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। कोई बात हुई उनसे? हाँ, उनसे अक्सर बातें होती रहती। मुकुल गोयल अपने कार्यकाल में अमरोहा, जालौन, मैनपुरी, हाथरस और आजमगढ़ के एसपी थे। इसके अलावा वो वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ जिलों के एसएसपी भी रह चुके हैं। हमारे मुकुल गोयल जी शामली के मूल निवासी हैं और बचपन से इसी यहीं पर गलियों में खेले भी हैं और उनका पूरा परिवार शामली में ही है। और उन्होंने पूरे जीवन भर बड़ी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया है। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हमारे मुकुल गोयल जी को डीजीपी पुलिस के प्रमुख पद पर बैठाया है, उनको चार्ज दिया है, उनको पदभार दिया है, तो योगी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति को डीजीपी के पद पर बैठाया है। मुकुल गोयल का साल 2004 में डीआईजी के पद पर प्रमोशन हुआ था, जो कानपुर, आगरा, बरेली रेंज के डीआईजी और साल 2009 में आईजी के पद पर प्रमोट होने के बाद वो बरेली जोन के आईजी के पद पर रहे। हाल ही में मुकुल गोयल केंद्र में प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे हैं और पिछले कई दिनों से डीजीपी पद के लिए अटकलें चल रही थी। खुशी हो रही है कि आपके भाई डीजीपी बने हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है, हम बहुत खुश हैं। हमारे भाई का जन्म शामली में ही मोहल्ला राजपत राय शामली में हुआ था 22 फरवरी 1964 को। कहाँ पढ़ाए, पढ़े लिखे? वैसे वे अधिकतर पढ़ाई उनकी धनबाद में हुई 10वीं तक। उसको उनका सपना क्या था बनने का? नहीं, पहले तो वो आईआईटी बने, आईआईटी इंजीनियर बने। इससे पहले मुकुल गोयल आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ में भी रह चुके हैं। इसके अलावा मुकुल गोयल यूपी में एडीजी रेलवे, सीबीसीआईडी और अखिलेश यादव की सरकार में सितंबर 2013 से मई 2015 तक यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, शामली शहर के लिए गर्व की बात है। पूरा गर्व है शामली शहर को, बहुत खुश हैं सभी लोग और हम लोगों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मतलब शुरू से ही बचपन सपना रहा होगा, ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं है। तो जब बन गए जब तो खुशी पूरी हुई है उन्हें भी और हम सबको भी। मुकुल गोयल गैलेंट्री अवार्ड और गृह मंत्रालय से अति उत्कृष्ट सेवा पदक समेत कई अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। डीजीपी मुकुल गोयल का वर्तमान में मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र में भरतिया कॉलोनी में निवास है, जहां उनकी माताजी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।